स्टार्ट करते हैं कि वो मेरे साथ चल रही है सआदत की तरह, सआदत सौभाग्य, कि वो मेरे साथ चल रही है सआदत की तरह, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ इबादत की तरह, और उसकी रोटी के बिना पेट नहीं भरता है, कि उसकी रोटी के बिना पेट नहीं भरता है, माँ मुझ में घुल सी गई है मेरी आदत की तरह, माँ मुझ में घुल सी। चलिए आपको श्रृंगार पे लाता हूँ अपनी विधा पे, पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि मौसम की आंगड़ाई मुझे अच्छी लग रही है, सुनिएगा आपको ताली कहां पर बजानी है ये सीखिए, सही समय टाइमिंग क्या होती ताली बजाने की, कभी चाय पीजिएगा और उसमें बिस्किट डुबो के खाइएगा, अगर आपका बिस्किट गिर जाता है तो आपकी टाइमिंग खराब है, और बच जाता है तो आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। सुनिएगा कि मौसम की आंगड़ाई मुझे अच्छी लग रही है, तेरे सूट की कढ़ाई मुझे अच्छी लग रही है, अरे कॉलेज की सीढ़ियों पर टकराई है वो जब से, कि कॉलेज की सीढ़ियों पर टकराई है वो जब से, कॉलेज की अब पढ़ाई मुझे अच्छी लग रही है। मुझे नहीं पता था इतना प्रमुख मंच होगा कि मैं शंका लिख पाता हूँ, मेरी मौलिकता मैं से छोड़ नहीं सकता। सुनिएगा कि दांतों से पेंसिल को जब दिल से कुतरती है, बिजली सी कोई मेरे तब दिल पे गुजरती है, और मेरे आगे वाली कुर्सी तेरी सबसे हुई जानम, मेरी आगे वाली कुर्सी तेरी जब से हुई जानम, मेरे क्लास की पढ़ाई सब सर से गुजरती है। अच्छा क्या होता है ये प्रेम पसंद आगे बढ़ता है, और कभी कुछ लोग होते हैं तो बुद्धिमान नहीं होते वो शादी कर लेते उसी से, अब फिर क्या होता है सुनिएगा। वो गाते हैं कि पहले तो मुझे लगती थी मेरी जान पटाका, कि पहले तो मुझे लगती थी मेरी जान पटाका, देती नहीं थी मुझको दंड कोई खता का, शादी के बाद मुझको एटम बॉम्ब लग रही, शादी के बाद मुझको एटम बॉम्ब लग रही, मारा है तुमने गाल पे जब से वो चटाका। हमारी तरफ दिमाग होते हैं जो शादी नहीं करते वो कैसे निकल जाते, सुनिएगा कि वो मुझसे जो नयन अपने कभी मटका नहीं होती, कि वो मुझसे जो नयन अपने कभी मटका नहीं होती, मुझे राहों में इतना जो कभी भटका नहीं होती, मैं उसके हाथ पैरों को कहीं पर तोड़ आया, समाप्त करता हूँ कि चांद तारों का ख्वाब रखता है, बहुत बड़ी कविता मुझे खुद पसंद है, आप कहिएगा कि चांद तारों का ख्वाब रखता है पागलों सा हिसाब रखता है, चांद तारों का ख्वाब रखता है पागलों सा हिसाब रखता है, ये हाथ में क्या है छीनो इसको, ये हाथ में क्या है छीनो इसको, गरीब का बच्चा किताब रखता है। ये अंग्रेजी के छात्र हैं लेकिन हिंदी में रचना करते हैं, और रचना में चूँकि अंग्रेजी साहित्य में ज़्यादा श्रृंगार है उनकी रचनाओं में भी श्रृंगार रस है, अब मैं आमंत्रित करता हूँ एलएलबी प्रथम संस्था की छात्रा रत्ना वाजपेयी और ऋचा शुक्ला को, एक रचना आप लोग दोनों को मिलकर सुनाएंगी,
रत्ना वाजपेयी और ऋचा शुक्ला।